आज हम लोग क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस समझेंगे और कुछ जानकारी लेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो वेदर है वो एटमॉस्फेयर का एक शॉर्ट टर्म कंडीशन है, एक पार्टिकुलर कंडीशन है, पर जो क्लाइमेट है वो वेदर का एवरेज है। वेदर का जो एवरेज निकलता है वो किसी भी कंट्री का क्लाइमेट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ लैटिट्यूड्स हैं तो ये अफेक्ट करता है क्लाइमेट को। जैसे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जो हमारा इंडिया है उसके मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो इसकी वजह से जो हमारा मेजर पोर्शन है साउथ का वो जो है ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है और नॉर्थ का टेम्परेट जोन में आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मिडिल ऑफ कंट्री, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हाफ ऑफ कंट्री है वो ट्रॉपिकल रीजन में आ गया। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया दोनों होता है, ट्रॉपिकल भी होता है और सब ट्रॉपिकल भी होता है। सेकेंड है हिमालयन माउंटेन, ये भी अफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को। कैसे? तो सबसे पहले ये मॉनसून पैटर्न को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो भी विंड आती है बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी से वो हिमालयन माउंटेन से कोलाइड करके रेन कॉज करती है हमारे नॉर्दर्न पार्ट में। उसका सेकेंड है कि सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड एयर आता है उससे भी ये प्रिवेंट करता है इंडिया में।